यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के चीफ मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को तलब किया है। 29 फरवरी को अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने बतौर गवाह पेश होना है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। सीबीआई की ओर से अखिलेश यादव को जिस केस में समन भेजा गया है वो साल 2012 से 2016 के बीच खनन मंत्रालय से जुड़ा है। उस वक्त यूपी के सीएम रहते हुए अखिलेश यादव के ही पास ये मंत्रालय था। हमीरपुर अवैध खनन मामले में 2 जनवरी 2019 को सीबीआई के डिप्टी एसपी के शर्मा ने केस दर्ज कराया था। इस केस में सीबीआई ने आईएएस बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित फ्लैट समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन, नोएडा में हुई थी। इस मामले में रोक के बाद भी खनन का ठेका देने का आरोप है। 2016 से खनन घोटाले की जांच चल रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच का आदेश दिया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समन को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। ऐसे में मामले की गरमाने की आशंका जताई जा रही है। अखिलेश यादव इससे पहले भी मोदी सरकार पर सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि चुनाव से ठीक पहले सीबीआई और ईडी इसी तरह से एक्टिव हो जाती है। बता दें कि मामले में आईपीसी की धारा 379, 384, 420, 511, 120 बी और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया था। एफआईआर में कहा गया था कि 2012 से 2016 के बीच में हमीरपुर में बालू की माइनिंग अवैध तरीके से की गई थी। शिकायतों के मुताबिक अधिकारी अवैध खनन कर रहे लोगों और अवैध बालू ले जा रहे वाहनों के ड्राइवरों से पैसे ऐंठते थे। यही नहीं, इसमें आरोप लगाया गया था कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया। सरकारी अधिकारियों ने आपराधिक साजिश रची, टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया, अवैध रूप से नए पट्टे और नवीनीकरण किया। 2012 से 2016 के बीच में अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। उस वक्त गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे। अवैध खनन सामने आने के बाद उनका विभाग बदल दिया गया। ये विभाग सीएम के पास आ गया था। गायत्री प्रजापति लंबे समय से जेल में ही हैं। उनके चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में सपा ने उनकी पत्नी महाराजी देवी को टिकट दिया था और वो विधायक भी बनी, लेकिन सोमवार को हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले वो गैर हाजिर भी रही। इसे एक तरह से भाजपा की मदद के रूप में भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश पर सीबीआई का शिकंजा कहीं उनके लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताइए। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।